नमस्कार, मैं नीरज कुमार राठौर, घमासान.com इंदौर। आज केंद्रीय सरकार का, यूनियन सरकार का बजट था, उसके लिए स्पेशल परिचर्चा में हमारे बीच में इंग्लैंड के इंग्लिया रस्किन विश्वविद्यालय के एक्स रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर डी के नायक साहब अवेलेबल हैं। डॉक्टर साहब, केंद्र सरकार ने आज अपना बजट पेश किया जी, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का आखिरी टर्म है जी। बजट में बहुत सारी घोषणाएं भी की गई, आपका क्या व्यू है? क्या इससे मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय लोगों को कुछ राहत मिलेगी? वेल, जो फाइनेंस इज ऑलवेज अबाउट सो मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन टर्म्स ऑफ यू नो बेनिफिटिंग पीपल फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिली के लिए और जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए बहुत सारी घोषणाएं अच्छी की गई हैं इस वित्तीय बजट में। और एक्चुअली इट कुड बी अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। आई डोंट वांट टू बोदर अबाउट द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंस। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने ऐसी ऐसी घोषणाएं की हैं जिससे एक ऑर्डिनरी पर्सन को बहुत रिलीफ मिलेगा। फॉर एग्जांपल, जो हाउसिंग के बारे में उनका कमिटमेंट है, काफ़ी एम्बिशियस भी है कि 2020 तक सभी को घर मुहैया कराए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, कि उनकी जो इनकम जो टैक्स का जो है स्लैब, उन्होंने बढ़ा करके उसको 5 लाख तक की लिमिट में कर दिया कि 5 लाख तक जिनकी इनकम नहीं तक जो कैप है वो टैक्स पे नहीं कर पाए तो भी कोई इशू नहीं आएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट वो एक जो छूट मिली है जो ऑर्डनरी पीपल है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि महंगाई तो बढ़ी रही है और लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ा हुआ है। तो समहाव अगर हम उसको अगर स्लिप को नहीं बढ़ाते तो हालांकि टैक्स के लिए जो है बहुत सारी लाइबिलिटी बढ़ जाती है एक ऑर्डनरी पर्सन के लिए जो इतना कमा ही नहीं पाता है बेचारा। तो अगर वो टैक्स पे करेगा तो अल्टीमेटली वो सर्वाइव कैसे करेगा, क्योंकि आप देखेंगे तो एजुकेशन भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, लिविंग कॉस्ट काफ़ी बढ़ गया है इंडिया में। तो अब वो वाली बात नहीं रही। तो ये सारे इफेक्ट को शायद जो यूनियन मिनिस्टर हैं गोयल जी ने भी शायद कंसिडर किया है, और उन्होंने ये जो किया है तो समहाउ इट वाज अ काइंड ऑफ नॉट अ गिफ्ट, इट हैज़ टू बी, ये होना ही था। क्योंकि इसके बिना गवर्नमेंट ने काफ़ी कलर टैक्सेशन तो किया ही था, अगर हम इलेक्शन के परस्पेक्टिव वाला हटा भी नहीं तो भी इसका बेनिफिट एक बहुत लार्ज पॉपुलेशन को होने वाला है, दैट इज़ वेलकमिंग ऑफ कोर्स। टू सम एक्सटेंट इज ऑल्सो वेरी एम्बिशियस, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, हमें नहीं मालूम कि हो सकता है अगर इसका पॉलिटिकल आस्पेक्ट काफ़ी उसको टच कर रहा है इन केस, तो क्या वास्तव में ये सस्टेनेबल रहेगा। तो देर आर सो मेनी अनसर्टिनिटीज इन दैट वे, बट इट इज़ मोर वेलकमिंग फॉर द ऑर्डनरी पीपल, दिस इज व्हाट आई हैव टू से। फिर भी देखने में ये आ रहा है कि अभी एक रिसेंटली एक सर्वे हुआ था, वो ये बता रहा है कि भारत में पिछले 50 सालों से अमीरों और गरीबों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। तो एक तरफ तो सरकार घोषणा कर रही है मिडिल क्लास के लिए, लोअर क्लास पीपल के लिए, और दूसरी तरफ ये गैप अगेन बढ़ता ही जा रहा है। मतलब ये गैप डिक्रीज होना चाहिए लेकिन अगेन इट इज इंक्रीजिंग, तो ये कंट्रडिक्शन क्यों आ रहा है? एक्चुअली देयर आर सो मेनी फैक्टर्स वी हैव टू कंसीडर। फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट, यू नो, इट इज द फ्री मार्केट दैट यू कैन नॉट कंट्रोल। गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक अवर इनफॉर्मल इकोनॉमी मोर फॉर्मल। फॉर एग्जाम्पल, देर आर मोर पीपल कमिंग इन एंड टेकिंग पार्ट इन टैक्सेशन एंड ऑल दैट। तो गवर्नमेंट चाहती है कि जितने इसका जो फॉर्मलाइजेशन हो रहा है कि मैक्सिमम लोगों को उसके जो है एरिया वाइड किया जाए, ज़्यादा लोग टैक्सेशन दें। बट जो आप जो इनकम डिवाइड की बात कर रहे हैं उसमें, चूँकि वो एक मार्केट है कि फॉर एग्जाम्पल समबडी इज प्रोड्यूसिंग समथिंग इन दे आर प्रोवाइडिंग सम सॉर्ट ऑफ सर्विसेज इन दे आर चार्जिंग यू नो फॉर दो सर्विसेज फॉर द प्रोडक्ट। तो अब कंज्यूमर के पास भी ये है कि उनके पास अगर ज़्यादा परचेसिंग पावर है तो देन दे कैन, सो इट विल हेल्प अवर इकोनॉमी इन टोटल, बट यू कैन नॉट से लाइक यू नो इट इज़ डायरेक्टली इम्पेक्टिंग ऑन द यू नो द गैप बिटवीन रिच एंड सुपर रिच एंड पुअर एंड वेरी पुअर पीपल। यू कैन से यू नो इट इज़ अ काइंड ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ। अब बजट के थ्रू आपने क्या किया कि बहुत सारे लोगों को बेनिफिट्स दे दिए, बहुत सारे लोगों को रिलैक्सेशन दे दिया, और आप मतलब अगर 5 लाख तक इनकम कमा रहा है तो यू डोंट हैव टू पे टैक्स एट ऑल। सो इट इज़ ए गुड थिंग, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा जो पॉपुलेशन का एरिया, मान लो मुझे तो फिगर नहीं मालूम कितना है, और ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन भी ऐसी है जिसका अगर एक 5 लाख से ऊपर इनकम है तो एटलीस्ट दे आर फ्री टू नॉट टू पे टैक्स। एटलीस्ट पीपल हु आर गेटिंग मोर मनी यू नो दे वुड बी यू नो इन फोकस ऑफकोर्स इन फ्यूचर। और जहाँ तक है कि आपका हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी है, यूनियन का और स्टेट का भी काफ़ी एक्टिव है इन मेनी वे। व्हेनेवर यू सी द न्यूज़पेपर यू कैन सी सो मेनी रेट्स आर कमिंग इन यू नो। सो मींस देयर वाज ए गुड न्यूज़ लाइक फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट वाज एबल टू इंक्रीज लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम टैक्स
So they were able to collect more money. So it is a good thing. Means it is up to you. It is also, you know, a part of a daily, you know, conversation between people and as well as in government, mm-hmm. how they negotiate their you know, dealings. Exactly. एक और मैं आपसे important question है पूछना चाहूँगा कि इतना कुछ होने के बावजूद भी international level पर India के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है. आज अपन IMF की liability की बात करें या World Bank की liability की बात करें. और दूसरी तरफ गवर्नमेंट पैसा लुटा रही है. हाँ, ठीक है. कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का उद्देश्य भी सोशल वेलफेयर है. तो क्या ये इंटरनेशनल लेवल पे जो कर्जा बढ़ रहा है अपने ऊपर, ये कहीं लॉन्ग टर्म वे में नेगेटिव नहीं हो जाए? एक्चुअली यू नो इट इज द स्पेंडिंग इकोनॉमी आई वुड से. मोर एंड मोर यू स्पेंड यू गेट मोर एंड मोर एडवांटेज फ्रॉम द इकोनॉमी एंड फ्रॉम द ग्रोथ. अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर हम सेविंग की तरफ जाते हैं तो वी आर रिड्यूसिंग चांसेस ऑफ गेटिंग प्रोग्रेस. ओके, और मोर यू स्पेंड मोर यू बिकम वेल, मीन्स यू विल हैव मोर अपॉर्चुनिटीज. फॉर एग्जांपल नाउ इफ यू गो बैक इन 10 इयर्स बैक, इन यू हार्डली सी पीपल हैविंग फोन्स इन देयर हैंड्स. नाउ ऑलमोस्ट 70% of population are having, you know, access to internet and all that. Yeah. So ये नहीं बोल सकते हैं कि अगर हम स्पेंड ना करें और हम लोग जनरली अगर घाटे की अर्थव्यवस्था में ना जाएं तो उसका बेनिफिट, उसके फायदे नुकसान दोनों ही हैं. पर एटलीस्ट यू नो गवर्नमेंट के पास भी एक्सपर्ट्स हैं जो इस तरह की एडवाइस दे रहे हैं और उन्होंने लेकर के यूनियन बजट जो बनाया है उसके बहुत लार्ज इम्पैक्ट होने वाले हैं. आप देखिए सेंसेक्स में एकदम से ग्रोथ हुई है, काफ़ी खुश है, तो मार्केट तो खुश है, एटलीस्ट मार्केट खुश है. और क्या होता है कि मार्केट में लोगों को चांसेस भी, यहाँ पर आप देखेंगे हमारे यहाँ जो ओवरऑल पॉपुलेशन, हमारे एंटरप्रेन्योर लोग ज़्यादा इंडिया में है, हमारे पास स्टार्टअप कल्चर है, हमारे पास यंग पॉपुलेशन है, तो इससे बहुत सारे एडवांटेज हैं कि हम मार्केट से बहुत सारा ग्रोथ निकाल सकते हैं. इसके लिए हमें चाहिए फ्रीडम, है ना. और गवर्नमेंट ने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया और उन्होंने लोगों का अलाउ किया कि देन यू कैन गो एंड मेक मोर मनी फॉर यू एंड फॉर अदर पीपल एज वेल. सो इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन आई वुड से. बट अगेन आई हैव टू यू नो से दैट यू नो इट इज मोर एम्बिशियस एंड देन इट्स अप टू गवर्नमेंट बिकॉज यू नो इट इज द लास्ट बजट ऑफ द प्रीवियस द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट. We don't know if something happens wrong and you know it, they are making trouble for another government which is it is unpredictable. We don't know. So, somehow it is a very challenging for the existing government. If they win again, so they have to manage, they have to, you know, fulfill their promises, what they are making today. And if they can't, you know, it would be a very hectic job for the government, the next coming, you know, future government, you know, how to manage. So, we don't know. In terms of international scenario, you can see in UK, in US and other developing countries, they are also based on spending economy. They have so many, you know, loopholes in their economy as well, but they still, you know, spend on welfare schemes and all that, and India is really making good progress in that way. Alright. So, आप थे डॉक्टर डी के नायक साहब जिन्होंने कैम्ब्रिज में एंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से PhD किया हुआ है, और आपने आज घमासान के स्टूडियो में अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच. नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचें.